तो दोस्तों विंडोज 12 गंदा क्रेज भाई फिर से मचने वाला है जितना मुझे लगता है। अब यार रिसेंटली एक हफ्ते पहले यार मैंने इसकी लीक्स पे बात करी थी जहां हमें पता चला था कुछ कुछ चीजें निकल के आई थी, तो क्यों यार नेक्स्ट वर्जन जो है विंडोज का वो 12 और वो भी हमें यार कुछ 3 साल के अंदर मिलने वाला है। तो ये सब यार वहां लीक्स में मैंने बात करी थी, पर वहां लोग पूछ रहे थे कि भाई देखो आ तो रहा है विंडोज 12 पर यार इसके साथ क्या क्या कुछ नया हो सकता है, लाइक फीचर्स में क्या रिलीज हो सकता है, इवन हमारा पीसी इसे सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं, या फिर यार एक फ्री अपडेट होगा या फिर पेड होने वाला है, मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज है, रिलीज डेट क्या हो सकती है, इन सब चीजों पे यार आज पर्दा खोलने वाले हैं। उस दिन बात सही से कर नहीं पाए थे, आज प्रॉपर एक एक चीज पे जाते हैं। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। सबसे पहले यार बड़ी चीज जो लोगों को जानना बहुत यार पसंदीदा रहता है, फीचर्स क्या हो सकते हैं। देखो हर 3 साल पे यार विंडोज का वर्जन आएगा ना, तो अगर इनको यार हर वर्जन को पॉपुलर करना है ना तो जरूरत होती है इनोवेशन की। इनोवेशन मतलब कोई ना कोई नई चीज इंक्लूड करने की, लाइक जैसे विंडोज 11 पे एंड्रॉइड ऐप आया ना, तो ऐसे ही विंडोज 12 पे भी कुछ मजेदार लाना ही पड़ेगा। सो ये इनकी यार टेक टीम जो भी समझे यार कुछ तो तगड़ा करना पड़ेगा भाई साहब आपको, या क्या पता ये लोग क्लाउड पीसी को बहुत एनहांस कर दे इस पे, या फिर आपको यार ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाए जो पीसी हैंडलिंग बहुत बढ़िया कर दे, तो ऐसी कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज जरूर देखने को दिखेगी विंडोज 12 पे। बाकी बात रही छोटे मोटे फीचर्स को, तो उसको तो भाई आज के टाइम पे अभी आप इंजॉय कर सकते हो। देखो विंडोज 11 का अपना जो यार बड़ा अपडेट है 22H2 वो बेसिकली कुछ ही दिनों में या कुछ ही मंथ में रोल आउट हो जाएगा, उसके बाद भाई 23H2 की तैयारी चलेगी। अब उसमें जो चीजें आ रही है ना 23H2 में वो आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो वो विंडोज 12 पे भी रहने वाली है बिल्कुल। जितना कुछ यार विंडोज 11 में वो सारा तो आपको विंडोज 12 पे मिलेगा ही, तो अपकमिंग फीचर्स जो यार विंडोज 11 के रहने वाले वो आपको वहां पे यार प्री एडवांस मतलब यार प्री बुक वाला जो वर्जन होता है ना डेवलपर या बीटा वाला उसमें सब कुछ मिलेगा। सेकंड चीज यार लोग जानना चाहते हैं क्या ये अगेन यार फ्री अपडेट होने वाला, तो ये तो मेरे को यार गारंटी खुद से लगती है कि बिल्कुल अब फ्यूचर में जितने भी विंडोज के वर्जन आएंगे ना सारे आपको यार फ्री अपग्रेड बेसिस पे मिलेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है कोई भी अब यार आज के टाइम पे विंडोज 11 ही जब यार फ्री में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ऑफिशियली आपको दिया था अपडेट तो विंडोज 12 का क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। एक चीज मुझे जो बड़ी इसमें लग रही है ना, शायद इसमें अब ऑप्शनल हो जाएगा कि आप चाहो तो विंडोज 11 पे रहो या फिर विंडोज 12 पे जाओ, ये ऑप्शन जरूर आएगा, सिमिलर लाइक अपने को विंडोज 10 और विंडोज 11 पे मिला है ना उस तरीके का जरूर होगा ये केस, फोर्स अपडेट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यार 3 साल में यार रैपिड हो जाता है, थोड़ा कम टाइम है बिल्कुल एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से, तो पर हाँ लोग जैसा समझे अपने हिसाब से उस पर आप यार शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी यार लोग जो यार बिल्कुल जानना जरूरी है कि पीसी आपका यार इसको रन कर पाएगा कि नहीं। देखो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है, हाँ उसके ऊपर जो गेम्स चला रहे हो सिस्टम में जो ऐप चला रहे हो उनकी अलग हो सकती है रिक्वायरमेंट, पर ऑपरेटिंग सिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट ओवरऑल जो रहेगी ना वो ज्यादा नहीं रहेगी, एक 8GB की रैम रहेगी, उसके अलावा आपको एक डिसेंट सा प्रोसेसर रहेगा, ड्यूल कोर से भी थोड़ा ऊपर आप समझ सकते हो, लाइक आप 4 कोर का अगर प्रोसेसर लेते हो ना तो काफी हद तक 8-9 साल फ्यूचर प्रूफ हो जाओगे, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई कर सकते हो, तो ये केस रहेगा बिल्कुल। अब विंडोज 12 का आप मेरे से पूछोगे ना मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो शायद आपको यार 4 से लेकर 8GB रैम मिनिमम चाहिए ही होगी, 2GB ये सब का तो यार बात ही बिल्कुल मत करो, 8 या फिर 4 ये तो बिल्कुल चाहिए होगी। उसके अलावा भाई TPM ये सब चीजों पे बिल्कुल फोकस होगा। एक चीज और मुझे लगता है जो मैंडेटरी हो जाएगी कि लेगेसी मोड वाली बायोस हटके UEFI को ही सपोर्ट करेगा, और मानो या ना मानो अगर आपने पिछले 6-7 साल में पीसी लिया है ना वो UEFI मोड पे बिल्टेड है, तो घबराओ नहीं। ग्राफिक कार्ड की यार यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई मैंडेटरी चीज होगी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना कुछ नहीं है, हाँ प्रोसेसर इतना पावरफुल होना चाहिए कि एक ऐसे डिसेंट ग्राफिक यार विंडोज वाले तो हैंडल कर ही ले, वो जरूर हो ही जाता है। पीसी रिक्वायरमेंट नॉट गोइंग टू बी द बिग चैलेंज सही में। अब यार 4th नंबर के पॉइंट की बात कर ले, इसकी रिलीज डेट कब हो सकती है, तो देखो एक्सपेक्टेड जो रह सकता है अगर ये सब कुछ यार जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा ही शेड्यूल वाइज चलता है सब कुछ सही रहता है तो आपको 2024 में अनाउंसमेंट होती हुई दिख जाएगी, और ये हाफ में दिखेगा मतलब यार लेटर हाफ होता है ना अपना ईयर का सेकेंड हाफ, वहां पे आपको ये चीज देखने को दिखेगी। साथ ही साथ आपको 2024 में ये अक्टूबर या नवंबर इस टाइम के आसपास आपको इसका डेवलपर और बीटा ऐसी एंट्री हो सकती है, अगर सब कुछ सही रहा ऐसी विंडोज 12 की अनाउंसमेंट होने वाली है तो मजेदार रहेगा यार, मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ, उस समय करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग, अभी टाइम है मानता हूँ, पर धीरे धीरे जो भी यार लीक्स आएंगे उस पर आपके साथ बातें तो चलती रहेगी। बाकी चलो मैंने सोचा इस सब चीजों पर बात करते हैं, वहां पर उस वीडियो में बस यार लीक्स पे बात करी थी, आज खोल के रख दिया। कैसे लगी वीडियो यार जरूर कमेंट में बताना, बाकी यहाँ बिल्कुल लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है, शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, जय जय भारत, वंदे मातरम।